अब अभी हम आ गए हैं मस्जिद के बिल्कुल अंदर। ये मनाजर आप देखें, माशाल्लाह सारा व्यू आप देख सकते हैं। जी बबलू भाई, कैसा लग रहा है आपको इधर आके आया? पहली बार आया? मैं तो पहली बार आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तीन चार बार पहले भी आए हैं। पहले भी आया है, यकीन करें। माशाल्लाह नमाज जुमा हो गई है, देखें कितना ज़्यादा रश हो गया इधर अभी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो जनाब आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शेख जायद मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अगर इधर कैमरा करूँ, इस साइड पे है मस्जिद, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है जी। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। चलते हैं आज के फ्लो की तरफ। छोटा सा गुंबद नज़र आ रहा है, इधर आ जाए इंशाल्लाह जाएँगे हम जुमा पढ़ने के लिए। चलो 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 चलो, फाइनली जी अभी हम निकल चुके हैं जुमा पढ़ने के लिए। शेड्यूल कटे आना है जी। हम शेख जायद मस्जिद में आ गए, ये स्क्रीन पे कुछ आप देख सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह बाद में इधर आके दिखाते हैं आपको। ये जी माशाल्लाह शेख जायद मस्जिद अबू धाबी, बहुत विजिटर आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, इस मस्जिद को देखने के लिए। ये कुछ इस तरह के मनाजर है इधर। ये ब्रिज बना हुआ है, पैदल जो लोग क्रॉस करते हैं रोड को, उनके लिए ये ब्रिज बनाया गया है। और ये जो है ये पार्किंग एरिया है सामने, सारा ये सारा पार्किंग एरिया है ये वाला। तो अभी जो हमारे जवान है ये सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, अमर भाई हैं साथ, बबलू भाई हैं, असद भाई हैं, वसीम और अली। मैं अभी आ गया ब्रिज पे क्योंकि रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद सीधा इंशाल्लाह मस्जिद में। ब्रिज से भी आपको व्यू दिखाते हैं इधर का। ये पार्किंग एरिया है सारा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला सारा पार्किंग एरिया। पार्किंग जो है इधर फ्री है बिल्कुल। तो अभी जी मस्जिद के अंदर एंट्री है इंशाल्लाह। आज जुम्मे का दिन भी, आज माशाल्लाह बहुत रश होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद है जी, बहुत बड़ी मस्जिद है जी और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये जी इसका गार्डन है। तो ये जी अंदर इंटर होने का गेट है, पार्किंग भी है नीचे मेरे ख्याल से। हाँ ये अंदर जो है ना ये सारी पार्किंग भी है, पार्किंग एरिया ये वाला सारा इतना भी है। फाइनल ये एंट्री हो गई है, अभी जाएंगे हम जुमा पढ़ने के लिए। ये जी अभी सीढ़ियाँ आगे ऊपर जाएंगे। ये जी शेख जायद मस्जिद के जो है ना फ्रंट एरिया, उसके आप मनाजर देख सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी
सुकून आ गया जी इस पश्चाताप यकीन करें। अभी मैं जनाब इधर जूते उतारूंगा, ये देखें जूते उतारने का कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। अभी हम आ गए हैं मस्जिद के बिल्कुल अंदर। ये मनाज़र आप देखें माशाल्लाह, सारा व्यू आप देख सकते हैं मस्जिद का अंदर वाला। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. जी बबलू भाई कैसा लग रहा है आपको इधर आके आया? पहली बार आया? मैं तो पहली बार आया हूँ। तीन चार बार पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं। यकीन करें इतना मजा आया इधर आके। गर्मी है इधर, मार्बल मार्बल देखें, मार्बल देखें, ठंडा है, गर्मी है लेकिन नीचे से ठंडा है। मैं जो है ना वो शेख जायद मस्जिद में फर्स्ट टाइम है इधर नमाज जुमा अदा किया जो मैंने किया, और यकीन करें इतना मज़ा आया है जुमा पढ़ के, और इतना सुकून मिला इस जगह पे आके। और खूबसूरती की तो बात आप करें ना जी, इतनी ज़्यादा खूबसूरती। और जो ये नीचे इधर इसके टाइल लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइल पे बहुत ठंडक महसूस होती है। ये जी इस वक्त आप देख सकते हैं जुमे की नमाज़ के बाद माशाल्लाह कितना रश हो चुका है इधर शेख जायद मस्जिद में। ये सामने जो मेरे आप पीछे देख रखे हैं सारा व्यू आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इस साइड पे अगर मैं दिखाऊँ आपको ये भी देख सकते हैं, और इस साइड पे अगर मैं कैमरा करूँ तो ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए ऊपर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं जिधर हमने जूते वगैरह उतारे थे पार्क में जाएँगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत खूबसूरत व्यू है इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएँगे जाके। और अगर रश की बात करें तो लेडीज़ भी मस्जिद में मेरे ख्याल से जुमा अदा किया जो मुस्लिम गाना है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं।
ये जी ये जी देखें कितना कितने खूबसूरत गुंबद है ये। माशाल्लाह जी ये हमारी जो पब्लिक जुमा पढ़ने आई थी एंट्री तो सबकी हो गई थी, सबको पता था किधर से जाना है। अब जो है ना बाहर जाने का किसी को पता नहीं लग रहा है। ओए होए तू तो मामू इतना गा रहे ना कि पता लगता कि हाँ अभी किसी को बाहर जाने का पता नहीं लग सकता, क्योंकि मुझे पता, मैंने इनको बताया था कि उधर से जाना है बाहर, लेकिन नहीं, कहता रहे कि कह रहे हैं कि इधर से जाना है। मैंने सबको बोला है कि भाई जिधर से आए हैं उधर से ही जाना है, अभी देखें उधर से ही जाएंगे। ये जी बाहर जाने का रास्ता इधर से है जिधर से इंटरव्यू हुई थी, लेकिन ये मानते नहीं किसी की बात। मैंने उनको कहा अभी था कि सेम वही रास्ता है। चलो भी चलो चलो भी चलो और पानी पीने वाला इधर से फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। किधर गए हैं दूसरे? ओ शुक्र है भाई मैं उतरू एकदम, मतलब बाहर आया मैं कह कि बाहर नहीं रहोगे एकदम ही। तो जनाब अभी हमारी वापसी है, हम दोबारा वापस आ चुके हैं ब्रिज पे। ये देखें जी इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी दिन। कैसा लगा जी आज आपको हमारा ये खूबसूरत सा विला? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ जी।